लो जी फाइनली कंडेंसर फैन 2516। बाप रे, फिर मैंने ये भी ले लिया और एक और चीज़ आ रही है वो भी ले लूँगा। भाई फाइनली देखो मैंने ये लगा दिया, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ भाई इसमें बड़ा आराम है, बढ़िया है ये तो। चलो अभी चलते हैं, पेट्रोल और कम हो गया यार, सारा दिमाग खराब होता है। तो ये बम्पर खुलने का काम चल रहा है, पहले बम्पर खुलेगा तो ये निकलेगा। सिर्फ खोलने में ही प्रॉब्लम है, बाकी सब तो ये लग जाएगा, तुरंत ही लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। डोर हैंडल भी जो है मैं लेके आया हूँ, तो डोर हैंडल भी लगा देंगे दोनों साइड के, जो टूट रखे ना ये लेके आया भाई। ऑनलाइन मिल रहा था 500 रुपये का, मार्केट में जाने का ये फ़ायदा होता है। लेकिन फिर भी गर्मी इसके अंदर भाई कम ले रहा है, वरना ये हटा देता तो और बैठ नहीं पाता इसके अंदर, इतनी गर्म हो जाती गाड़ी। फाइनली चलो इसको मैं खोल देता हूँ भाई, कम से कम हवा पास होती रहे और इतना गर्म गर्म हवा कम आए। इतने टाइम बाद एसी का जो काम है भाई फाइनली आज कंप्लीट होगा, एंड लेट्स सी कि भाई जो पैसा लगा रहे वो वर्थ इट है कि नहीं। इतनी गर्मी में 45-46 को रखा है, ये हालत रखी इसकी है भाई, तो टूट भी गया है, टूट गया है कि निकल गया है पता नहीं। ये पहले वाला है भाई, पता नहीं क्या ही दिक्कत थी इसमें यार। लग तो सही रहा है कि भाई चल तो रहा था, लेकिन बहुत पुराना हो गया ये। ये साफ कैसे होगा? साफ भी हो जाता तो बढ़िया ही रहता। उल्टा कितना धूप है, ये ऑलरेडी फिट हो गया, बस इसमें ये वायर लग जाएगा, उधर सेट हो जाएगा और ये कंडेंसर हो जाएगा सेट। ये यार थोड़ा क्लीन हो जाता, पानी वाले से करवाना पड़ेगा, वो प्रेशर मारेगा ना तो ही हो पाएगा। लोअर के देख रहे हैं, जय माता दी। ठंडी हवा आ रही है, आ रही तो है भी धीरे धीरे। लेके आओ हैंडल लिया, ये डोर पैनल कभी नहीं खुले भाई। तो गाइस अभी है ना सीन ऐसा है, गाड़ी का काम हो गया कंप्लीट, पैन लगाना था कंडेंसर का जो कि हम लोगों ने खरीद के आए और फिर जो है कंप्लीट लगा दिया। और अभी जो है गाड़ी में कंप्लीट ठंडी हवा एसी दे रहा है और लग रही है ठंडी हवा अपने को, है ना। अभी गाड़ी के अंदर पहले पेट्रोल डलाना है, गैस भी मैंने जो बॉटल लेके आया था वो रिफ़िल करवा दी है इसके अंदर, गैस भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है। बट पुरानी गाड़ी हो चुकी है ना थोड़ा, तो कंप्रेसर अपना थोड़ा उन्होंने बोला कि थोड़ा वीक हुआ है, तो अब देखो अभी जितनी हवा दे रही है अभी फिलहाल। तो इसका ही सीन था कि अपना कंडेंसर का फैन जो था वो मर गया था भाई, चलता ही नहीं था, तो अभी उसको ठीक कराना ज़रूरी था, इसके लिए कराया अभी ना वो। अच्छा मैंने ये ले लिया, इसे लगा रखा था तो गाड़ी जो है अपनी गर्म नहीं है। ठंडी बहुत काम की चीज़ है भाई सच में, आप अमेजोन से मंगा लो या फिर अपने लोकल मार्केट के आके जाके एक्सेसरीज मार्केट पे बाय कर लेना, ये 250 रुपये का आ जाएगा लोकल मार्केट पे, और ऑनलाइन तो ये 500 रुपये का है, ठीक है, तो वो चेकआउट कर लेना। सब काम कंप्लीट हो गया है और एसी में काफ़ी फ़र्क है, अब ये कंटिन्यू हवा दे रहा है। पहले क्या है ना गर्म हवा देता था भाई, गर्म गर्मी में बैठो ऊपर से गर्म गर्म हवा खाओ गाड़ी के अंदर तो बड़ा दिक्कत होती थी, लेकिन अब तो खैर फिलहाल अच्छी हवा दे रहा है। और गाड़ी में पेट्रोल डलाऊंगा, अभी जाऊंगा घर पे क्योंकि शाम को भी हमें निकलना है काम से, है ना। तो चलो अभी पहले पेट्रोल डलाते हैं क्योंकि गाड़ी गर्मी हो रही है, पहले 45 डिग्री हो रहा है बाहर और उसमें भी एसी फिर भी अपनी जो है ठंडी हवा दे रहा है, खींच रहा है भाई ठंडी।
चारों में भी आ रही है हवा। अभी मैं इसको थोड़ा उसमें कर देता हूँ, पैरों पे हवा लगे ठंडी ठंडी। हाँ तो ये ठंडी ठंडी हवा आएगी तो अपना काम हो जाएगा। चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। नहीं अभी तो बताना बाकी है यार, खर्चा कितना हुआ बताया नहीं मैंने अभी। तो टोमेटो का मेरा हाथ दर्द हो रहा है थोड़ी देर में बताऊँ। भाई इतनी हीट वेव चल रही है ना, मेरा चार्जर फ़ोन है ना बहुत स्लो चार्ज होता है, इसलिए मैंने चार्जिंग फास्ट वाला ले लिया है तो ये काम कम्प्लीट हो जाएगा। अभी गाड़ी में बैठते हैं, अभी गाड़ी और उसको भी गर्म, मैंने लॉक लगा दिया है। अब मैं आपको है ना प्राइस बताता हूँ मेरी गाड़ी में खर्चा कितना आया, ठीक है। उसके बाद मेरा जो एसी है बराबर हो गया है। चलो पहले तो एसी चालू करेंगे। हाँ ठंडी ठंडी आती है हवा, जैसे ठंडी ठंडी हवा देता ना मज़ा आ जाता है भाई। तो अभी इसमें खर्चा ऐसा आया कि मेरे को 2516 रुपये का फ़ैन पड़ा है, और उसके साथ साथ फिर मैंने डोर हैंडल भी लिए थे, 100-100 रुपये के डोर हैंडल आए थे, 2700 रुपये का ये खर्चा आया, 500 रुपये मेरे को लेबर लगी, और वो जान पहचान के ही है मेरे मामा हैं, इसकी वजह से मेरे को थोड़ा सस्ता पड़ गया। अब भी लगाने जाओगे तो इतना ही पड़ जाएगा, थोड़ा वैसा लेंगे लेकिन काम आपका हो जाएगा अगर आप कराने जा रहे हो तो। बाकी अभी देखो लॉन्ग टर्म में कैसा क्या परफॉर्म करता है, चेंज तो करा दिया। मेन जो प्रॉब्लम थी इसकी, जब से मैंने गाड़ी ली है मेरी तब से यही प्रॉब्लम थी, तो इसी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी तो अभी तो ठीक करा दिया। अब इतनी गर्मी में भी भाई कम से कम मेरे को थोड़ी हवा तो लग रही है ठंडी, तो आराम से मैं अभी ये गाड़ी लेके अपने कहीं पर भी जा सकते हैं। क्योंकि एसी अपना हो गया बराबर, जो कि मेन प्रॉब्लम था गाड़ी के अंदर वो ही। अभी इसका दूसरा जो काम बाकी है, जैसे कि इसका हॉर्न बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि बहुत परेशान करते हैं लोग आगे आके ऊपर से बीच में चलाते हैं, और बाइक वालों को पता नहीं क्या है, कुछ बाइक वाले ऐसा है को कार लेन में फास्ट लेन में बीच में चलाएंगे, ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, बीच में चलाएंगे भाई, ना कार वाला निकल सकता ना बाइक वाला निकल सकता उधर से इस तरीके से, और अपनी ही मस्ती में चलेंगे, ना इधर देखेंगे ना उधर देखेंगे, अपना भाई चलते रहना है, दुनिया चाहे भाड़ में जाए अपने हिसाब से निकल लो। अब तुम ना इधर से निकाल सकते हो उसके, अगर निकालोगे तो भाई जगह ही नहीं है इतनी, कहाँ से निकालोगे, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, क्या करें अभी लोग का। अगर आप भी ऐसे चलाते हो तो मत चलाया करो भाई, बाइक बड़ी प्रॉब्लम होती है गाड़ी वालों को, अगर कभी गाड़ी चलाओगे तो तुमको भी यही चीज़ फेस प्रॉब्लम कर यही प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और क्या बोलता हूँ यार, प्यास लग रही है मेरे को अभी, मेरा गला सूख रहा है भाई। चलो भाई ये चीज़ मैंने बता दी गाड़ी के अंदर ऐसा ऐसा है, अब थोड़ा लॉन्ग टर्म में भी मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूँगा, इसके लिए सब्सक्राइब कर लो तो अपने गाड़ी के डेली अपडेट आते रहेंगे। और मैंने डलवा तो यही था इसके अंदर वाइपर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इसके मैंने ये नले भी बढ़िया कर दिए थे, तो इसकी वजह से अब ये बराबर साफ कर रहा है। तो बहुत धीरे धीरे हम लोग सब कुछ काम जो है गाड़ी के अंदर सेट करवा ही रहे हैं। अभी मैं इधर आता हूँ, मैं जिम, हाँ भाई हाँ जिम आने लगा हूँ। चलो भाई मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय भोलेनाथ।